गुड इवनिंग डियर, कैसे हो आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान सिंह चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं रेविजन एंड एयर कंडीशन एमसीक्यू क्वेश्चन 101 से लेके 120 तक, और 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। और जिस भी बच्चे ने अब तक नहीं देखे हैं वो क्वेश्चन जरूर देख लें, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके, चाहे आप ITI में हो या CTI कर रहे हो या CTI की तैयारी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपका वीडियो कैसी लगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन बैंक ऑफ REC ट्रेड, हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ CO2 इज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, -70.7 डिग्री सेल्सियस, एंड फ्रीजिंग पॉइंट -47.3 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी -78.3 डिग्री सेल्सियस एंड -75-2 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी -77.7 डिग्री सेल्सियस एंड -17.3 डिग्री सेल्सियस। एंड ऑप्शन डी -33.3 डिग्री सेल्सियस एंड -77.7 डिग्री सेल्सियस। इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट किसका पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो रहता है हमारा -78.3 डिग्री सेल्सियस एंड -75-2 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसका एक्यूरेट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ फ्रियोन 12 इज, मतलब जो फ्रियोन 12 का क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या रहता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी अबव 100 डिग्री सेल्सियस। क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा गया फ्रियोन 12 का, कि इनमें से क्या रहेगा। तो जो हमारा फ्रियोन 12 उसका क्रिटिकल टेम्परेचर रहता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, इफ अमोनिया इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट द पाइपलाइन शुड बी ऑफ, अगर यहाँ पे अमोनिया हम यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट के तौर पे तो कौन सी पाइपलाइन का हम यूज करेंगे। ए ऑप्शन है ब्रास, बी ऑप्शन है कास्टील, सी ऑप्शन है कॉपर एंड डी नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम अमोनिया यूज करते हैं उसके लिए पाइपलाइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमोनिया डेंजर होती है कॉपर के लिए, क्योंकि कॉपर को जल्दी उसको खराब करने का या लीकेज होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए हम इसके अंदर कौन सी यूज करते हैं, कास्ट स्टील की यूज करते हैं अमोनिया जब रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है तब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, पर्जिंग इज डन, पर्जिंग कब की जाती है। ए ऑप्शन आफ्टर गैस चार्जिंग, ऑप्शन बी बिफोर गैस चार्जिंग, ऑप्शन सी बिफोर वैक्यूमाइजिंग एंड ऑप्शन डी बिफोर प्रेशराइजिंग। पर्जिंग हम कम करते हैं जब सिस्टम में से हमको एयर निकालनी हो, पर्ज करना हो, तो वो कम करते हैं हम आफ्टर गैस चार्जिंग या बिफोर गैस चार्जिंग या बिफोर वैक्यूमाइजिंग या बिफोर प्रेशराइजिंग। देखिए वैक्यूम भी हम पहले करते हैं उसके बाद गैस चार्जिंग करते हैं, बिफोर प्रेशराइजिंग प्रेशर उसके अंदर ना डालने से पहले, या बिफोर गैस चार्जिंग, तो बिफोर गैस चार्जिंग से पहले हम पर्जिंग की प्रक्रिया डन कर लेते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी बिफोर गैस चार्जिंग, पर्जिंग इज डन। क्वेश्चन नंबर 105 है, द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर अलाउ टू एंगेज एंड डिसएंगेज द कंप्रेसर फ्रॉम द थर्मोस्टेट, मतलब जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर में वो कौन अलाउ करता है कंप्रेसर के साथ उसको जोड़ने और अलग करने के लिए फ्रॉम थर्मोस्टेट से, रियोस्टेट, थर्मोस्टेट, सेंट्रीफ्यूज एंड डी मैग्नेटिक क्लच। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा जब भी ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर की बात आती है तो उसको कंप्रेसर को चलाने, एंगेज या डिसएंगेज मतलब उसके साथ जोड़ने और रिमूव करने के लिए हम मैग्नेटिक क्लच का यूज करते हैं। तो आंसर डी हमारा मैग्नेटिक क्लच राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू इट्स वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हमारा जो प्रोसेस है कोई भी सॉलिड आइटम है वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो रही है लिक्विड में होने बिना, मतलब कोई भी चीज हमारी पहले सॉलिड से लिक्विड बनती है, लिक्विड से वेपर बनती है, लेकिन अगर कोई चीज हमारी सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बन रही है लिक्विड नहीं बन रही है तो उसको हम क्या कहेंगे। ए ऑप्शन है सुपरहीटिंग, बी सब्लिमेशन, सी सबकूलिंग एंड डी ट्रिपल पॉइंट। तो ये जो प्रोसेसिंग है ये हमारी क्या कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है, क्योंकि सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है हमारा जो प्रोसेस होता है वो सीधा सॉलिड से वेपर में चेंज करता है
लिक्विड स्टेज में आने नहीं देता, तो वो हमारे क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर थोड़ा सा और ज्यादा इसको डिफाइन किया हुआ सब्लिमेशन को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 107, सेंसिबल हीट फैक्ट्री। सेंसिबल हीट फैक्ट्री क्या है? ये ऑप्शन है सेंसिबल हीट डिवाइड बाय लेटेंट हीट, ऑप्शन बी लेटेंट हीट डिवाइड बाय सेंसिबल हीट, ऑप्शन सी सेंसिबल हीट डिवाइड बाय टोटल हीट एंड ऑप्शन डी लेटेंट हीट डिवाइड बाय टोटल हीट। तो सेंसिबल हीट फैक्टर इनमें से कौन सा रहेगा? तो इनमें से हमारा रहेगा ऑप्शन सी सेंसिबल हीट डिवाइड बाय टोटल हीट, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, इन विंटर एयर कंडीशनिंग द प्रोसेस यूज। विंटर एयर कंडीशनिंग, विंटर हमारा कब, सर्दियों में एयर कंडीशनिंग प्रोसेस हम यूज करते हैं, तो क्या होता है? डिह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। सबसे पहले तो हमको विंटर में क्या चाहिए? गर्मी चाहिए, तो हमारा क्या रहेगा? हीटिंग रहेगा। अब हीटिंग के साथ ह्यूमिडिफिकेशन या डिह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन में हम मॉइस्चर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। डिह्यूमिडिफिकेशन में मॉइस्चर को रिमूव करते हैं, और जब भी हम मॉइस्चर को रिमूव करते हैं तो वहां पे क्या होती है? कूलिंग होती है। लेकिन जब भी हम उसको ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा? हीटिंग होगी। तो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हम विंटर के टाइम पे यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आंसर बी हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 109, सोलेनोइड वाल्व ऑपरेटेड बाय। सोलेनोइड वाल्व को हम कैसे ऑपरेट करते हैं? ये ऑप्शन है बाय इलेक्ट्रिकली, ऑप्शन बी हैंड, ऑप्शन सी गैस प्रेशर एंड ऑप्शन डी ऑयल प्रेशर। सोलेनोइड वाल्व को हम ऑपरेट करने के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल का यूज करते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि जब भी इसको सप्लाई देंगे तो अपने अपने में से ये रेफ्रिजरेंट को गुजरने देता है, और जैसे सप्लाई बंद हो जाती है तो रेफ्रिजरेंट को गुजरना ये बंद कर देता है, मतलब बाई इलेक्ट्रिकली इसको ऑपरेट करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, इन ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपेंसर और थ्रोटल वाल्व द रेफ्रिजरेंट इज द फॉर्म ऑफ। मतलब वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जब रेफ्रिजरेंट हमारा पासिंग थ्रू पास होता है एक्सपेंशन वाले या थ्रोटल वाल्व में से, तो वो किस फॉर्म में होता है? ये ऑप्शन है हाई प्रेशर सैचुरेटेड वेपर, बी ऑप्शन है सुपरहीटेड वेपर, सी ऑप्शन है वेरी वेट वेपर एंड डी ऑप्शन है ड्राई वेपर। तो इनमें से किस कंडीशन में रहेगा जब हमारा एक्सपेंशन वाल्व से रेफ्रिजरेंट पास हो जाएगा वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन सी वेरी वेट वेपर। क्वेश्चन नंबर 111, इन ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम थी रेफ्रिजरेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सुपरहीटेड वेपर बिफोर पासिंग थ्रू दी। मतलब वेपर कंप्रेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की अवस्था सुपरहीटेड वेपर कब होगी, मतलब किसमें से पास होने से बिफोर पहले होगी? ए ऑप्शन है ऑपरेटर, बी कंडेंसर, सी कंप्रेसर एंड ऑप्शन डी एक्सपेंशन और थ्रोटल वाल्व। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कंडेंसर, क्योंकि कंडेंसर में एंटर होने से पहले हमारा जो वेपर है वो क्या होता है? सुपरहीटेड होता है। सुपरहीटेड कंप्रेसर उसको क्या करता है? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे पास करता है। क्वेश्चन नंबर 112, द वेपर इज ड्रॉन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इन कंप्रेसर सिलेंडर हैंड इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली ड्यूरिंग स्ट्रोक इन। मतलब क्या कह रहा है? जो वेपर हमारा वेपर इज ड्रॉ ड्यूरिंग, जब वेपर को क्या किया जाता है? ड्रॉ किया जाता है सक्शन स्ट्रोक इन कंप्रेसर में सिलेंडर, और इसको कंप्रेस करते हैं तो ड्यूरिंग स्ट्रोक इन, तो ये कौन सी प्रोसेस होता है? ये ऑप्शन है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, बी ऑप्शन है वेपर अब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ऑप्शन सी मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड डी None of the above। तो इनमें से क्या रहेगा हमारा? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक एंड कंप्रेस्ड कंप्रेशन स्ट्रोक की बात हो रही है, तो ये हमारा किस में होता है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 113, इन ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम थी रेफ्रिजरेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ड्राई सैचुरेटेड वेपर बिफोर एंटरिंग दी। मतलब वेपर कंप्रेशन सिस्टम है उसके अंदर ड्राई सैचुरेटेड वेपर के अंदर रेफ्रिजरेंट है, किस में एंटर होने से पहले ये सिचुएशन रहती है ड्राई सैचुरेटेड वेपर की? ये ऑप्शन है ऑपरेटर, बी कंडेंसर, सी कंप्रेसर एंड डी थ्रोटल वाल्व। तो इनमें से कब हमारा रेफ्रिजरेंट ड्राई सैचुरेटेड वेपर रहेगा? तो आंसर सी कंप्रेसर में एंटर होने से पहले, क्योंकि वेपर कहाँ बनते हैं? हमारे ऑपरेटर बनते हैं, और कंप्रेसर में एंटर होने से पहले हमारे जो रेफ्रिजरेंट होता है ड्राई सैचुरेटेड वेपर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और नोट कर लेना क्योंकि सिंपल और बेसिक बनाया गया है, जैसे कौन कहाँ पे क्या एंटर होने से पहले रेजिडेंट की अवस्था क्या है, और कहाँ पे एंटर होने के बाद किस
क्या अवस्था आ जाती है रेविजेंट की, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और खासकर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, इन ए वेपर कंप्रेसर सिस्टम द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ्योर आफ्टर, मतलब वेपर कंप्रेसर सिस्टम में हाईएस्ट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ्योर आफ्टर, मतलब साइकिल के दौरान या साइकिल कंप्लीट, साइकिल जब हमारी चल रही है तो कब हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर होगा रेफ्रिजरेंट का। ये ऑप्शन है ऑपरेशन, बी कंप्रेशन, सी कंडेंसेशन एंड डी एक्सपेंशन। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा, क्योंकि आफ्टर कंप्रेशन होता है, कंप्रेसर जैसे गैस को कंप्रेस करता है उसका हाई टेम्परेचर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, ब्राइन इज ऑलवेज यूज्ड एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इन, ब्राइन का हमेशा यूज एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में कहाँ किया जाता है। ये ऑप्शन कोल्ड स्टोरेज प्लांट, बी मिल्क चिलिंग प्लांट, ऑप्शन सी सिनेमा हॉल एयर कंडीशनिंग प्लांट एंड डी आइस प्लांट। देखिए तो इसको चलो ऑप्शन वाइज क्लियर कर लेते हैं। कोल्ड स्टोरेज प्लांट में हम अमोनिया यूज करते हैं जो प्राइमरी एजेंट है। मिल्क चिलिंग प्लांट में मिल्क का टेम्परेचर हम 4 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, तो वहाँ पे सेकेंडरी एजेंट वाटर का यूज करते हैं। सिनेमा हॉल एयर कंडीशनिंग प्लांट में हम सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग प्लांट, तो वहाँ पे भी हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वाटर यूज करते हैं। आइस प्लांट, आइस प्लांट हमको आइस जमाने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर चाहिए, अगर हम पानी यूज करेंगे तो वो कुछ जम जाएगा, तो इस कारण से हम यहाँ पे ब्राइन का यूज करते हैं। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, आंसर डी रहेगा, आइस प्लांट। क्वेश्चन नंबर 116, इन ए वेपर कंप्रेसर सिस्टम इफ ड्यूरिंग कंप्रेशन द रेफ्रिजरेंट इज सुपरहीटेड देन, मतलब वेपर कंप्रेसर सिस्टम है और हमारा कंप्रेसर क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है रेफ्रिजरेंट को सुपरहीटेड, तब क्या होगा, सीओपी इज रिड्यूस होगी, सीओपी इंक्रीज होगी, सीओपी रिमेन सेम रहेगी, या वर्क डन इज रिड्यूस, या वर्क डन हमारा कम हो जाएगा। तो इनमें से क्या रहेगा जब हमारा कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को सुपरहीटेड कंप्रेस करता है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे सीओपी इज रिड्यूस, सीओपी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 117, सीओपी इन ड्राई कंप्रेशन एज कम्पेयर टू वेट कंप्रेशन इज, मतलब सीओपी ड्राई कंप्रेसर की तुलना करें वेट कंप्रेसर से क्या होगा, हाई होगा, लोअर होगा, सेम होगा या डी, नन ऑफ दी अबव रहेगा। तो इनमें से सीओपी की पोजिशन क्या रहेगी, ड्राई कंप्रेशन एज कम्पेयर टू वेट कंप्रेशन से, तो इनमें से हमारा क्या राइट आंसर रहेगा, वो लोअर हो जाएगी, आंसर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, ड्राई सब कूलिंग हीट रिमूव्ड फ्रॉम ए लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज, सब कूलिंग हीट को रिमूव करता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज, तो क्या रिमूव करता है, लेटेंट हीट ओनली, सेंसिबल हीट ओनली, या बोथ लेटेंट एंड सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी या डी, नन ऑफ दी अबोव, तो इनमें से कौन सी हीट को रिमूव करता है, तो यहाँ पे वो रिमूव करता है लेटेंट हीट ओनली, लेटेंट हीट ओनली मतलब गुप्त ऊष्मा को वो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119, इन ए रेफ्रिजरेंट सिस्टम सब कूलिंग, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सब कूलिंग क्या करता है, इंक्रीज सीओपी, डिक्रीज सीओपी, या सीओपी रिमेन सेम, या डी, नन ऑफ दी अबव। बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शायद आपको इसका आंसर पहले ही पता हो, तो इसका राइट आंसर रहेगा इंक्रीज सीओपी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 120, इन ए रेफ्रिजरेंट सिस्टम बाय सब कूलिंग द नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेंट सिस्टम में बाय सब कूलिंग के द्वारा नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या रिमेन सेम रहेगा, या डी, नन ऑफ दी अबव होगा, तो इनमें से क्या रहेगा हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि सिंपल सी बात, जब लास्ट क्वेश्चन में हमारी सीओपी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन 100 से लेके 120 तक, और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ अलग रहे होंगे और कुछ आपको थोड़ा सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, एंड जिन बच्चों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।